बहुत सही प्रश्न है कि जो अंतरात्मा की आवाज हमारी बहुत धीमे धीमे आती है और मन की आवाज उस पर हावी हो जाती है, तो हम ऐसा क्या करें कि उस अंतरात्मा की आवाज भी हमें उसी तरह सुनाई दे, लाउड एंड क्लियर, जिस तरह मन की आवाज आती है। तो स्वामी ने उसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताया है और स्वामी ने कहा है वह है पर्सनल साधना, व्यक्तिगत साधना। जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत साधना करता है तो उसके अंदर अपने अंतःकरण की आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। वो होता क्या है, हमारे कान तो वही है पर उस कान के अंदर कई तरह का रिषड्रज्ञों का जो मैल है वो जम जाता है, तो अंदर से अंतःकरण की आवाज नहीं आती। और जब हम पर्सनल साधना करते हैं, ध्यान हो गया, सेवा हो गया, भजन कीर्तन हो गया, तो अपने आप हमारे हृदय पर जमी हुई मैल जो है या कानों में जमी हुई मैल जो है वह हट जाती है और हमें अपने आप अपने अंतःकरण की आवाज सुनाई देती है। तो मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, एक बार बाबा ने हम कुछ बॉयज को इंटरव्यू के लिए बुलाया और इंटरव्यू में स्वामी ने कहा अगर तुम नित्य नाम स्मरण करोगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा। क्या प्रश्न पूछा, अगर तुम नित्य नाम स्मरण करोगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा। तो सब लोग बोले बच्चे स्वामी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि कलयुग में आप ही ने तो बोला है कि जब नाम स्मरण करोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो स्वामी हमको भगवान मिल जाएंगे। तो स्वामी बोले भगवान नहीं मिलेगा नाम स्मरण करने से। हम सब लोग एकदम चुप हो गए कि स्वामी इतने वर्षों से आप कह रहे हो कि नाम स्मरण करो, नाम स्मरण करो, इस कलयुग में तो नाम स्मरण करने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है और आप यहां कह रहे हो पर्सनल इंटरव्यू के अंदर हम 10-12 लोगों को कि नाम स्मरण करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। फिर स्वामी ने पूछा क्या प्राप्त होगा, तो नहीं समझ में आया, ऐसे में चुप रहना ही बेहतर है क्योंकि आप स्वामी को जो भी उत्तर दोगे स्वामी हैज अ बेटर आंसर फॉर दैट। स्वामी ने कहा जब तुम व्यक्तिगत साधना करते हो, जब तुम भजन करते हो, कीर्तन करते हो, समिति में जाकर के गाते हो और भजन में संपूर्ण रूप से हिस्सा लेते हो, सेवा में जाते हो, तो तुम्हें मालूम है क्या प्राप्त हो रहा है, तुम्हें मिल रही है चित्त शुद्धि। जो चित्त शुद्धि तुमको मिल रही है उसके बाद उस चित्त शुद्धि को मिलने से तुम्हें भगवत प्राप्ति का राह दिखनी शुरू हो जाएगी। वह जो रास्ता है भगवान की ओर जाने का वह तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा, अंतःकरण की आवाज आनी शुरू हो जाएगी और तब तुम डिविनिटी के समीप आ जाओगे। और मैं इसीलिए कहता हूं कि भजन करो तो भगवान प्राप्त होते हैं, और भजन करने से आपको मात्र चित्त शुद्धि मिलती है। और यह चित्त शुद्धि पाना कितना कठिन है और कितना सरल है, स्वामी ने एक और एग्जाम्पल दिया। एक डॉक्टर फनी बंदा होते थे, बॉम्बे के डेंटिस्ट थे, बहुत स्वामी के नजदीक रहे हैं, उनके बहुत अच्छे और सुंदर एक्सपीरियंसेस रहे हैं और उनकी आदत थी कि 70 के दशक में वो अपने साथ एक सिंगापुर से एक मूवी कैमरा खरीद के लाए थे और उस मूवी कैमरा के माध्यम से स्वामी जब भी पुट्टपर्ति में जाते थे तो वो पीछे पीछे कैमरा लिए लिए स्वामी के जाते थे और वो कैमरा खींचते थे। उस समय वीडियो का जमाना नहीं था, ना आपके तरह मोबाइल थे कि आपने निकाला और फट से आपने खींच लिया, उस समय वो बड़ा सा कैमरा अपने कंधे पर रख करके स्वामी के पीछे जाते थे। तो एक बार, और स्वामी उनको अक्सर इंटरव्यू देते थे और उनसे बात करते थे, तो स्वामी से उन्होंने पूछा कि स्वामी आपने कहा है कि आपका लक्ष्य धर्म स्थापना है इस पृथ्वी लोक पर, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई है, यह आपको लक्ष्य प्राप्ति में कितना सहायक रहेगी, यह ऑर्गेनाइजेशन, यह जो मेंबर्स है सारे जो आपके साथ इस संस्था से जुड़े हुए हैं, यह आपके लक्ष्य प्राप्ति में इनका क्या योगदान रहेगा। तो स्वामी मुस्कुराए, उनको लगा कि अब स्वामी बोलेंगे कि भाई यही लोग तो हैं जो मेरे लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायता देंगे। तो स्वामी ने रिप्लाई क्या दिया, इनका योगदान 0 रहेगा। बोले जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इसका मेरे अवतार रूप का लक्ष्य प्राप्त करने का जो भी प्रोग्राम है उसमें इनका योगदान 0 रहेगा। तो हैरान हो गए, स्वामी अगर ऑर्गेनाइजेशन का योगदान 0 रहेगा तो फिर आपने इतनी बड़ी संस्था क्यों खड़ी कर दी है। तो स्वामी बोले यह मैंने संस्था खड़ी करी है तुम सब लोगों की चित्त शुद्धि के लिए,
मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं कि आओ इस संस्था में जुड़ो और जुड़ करके भजन कीर्तन सेवा इत्यादि में लग जाओ, और जब लग जाओगे, जब इकट्ठे होकर के बैठोगे, जब अच्छी वाणी सुनोगे, अच्छे विचार सुनोगे, अच्छे भजन सुनोगे, तो अपने आप तुम्हारे हृदय में चित्त शुद्धि हो जाएगी। और यही चित्त शुद्धि के लिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन करी है। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। वो कार्य यही है कि आपको चित्त शुद्धि प्राप्त करने का भगवान साधन दे रहे हैं। आप सोचिए, अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य नहीं होते या यहाँ नहीं आ रहे होते, तो हम में से कितने लोग भगवान का नाम स्मरण कर रहे होते, कितने लोग अच्छे विचारों का आदान प्रदान कर रहे होते, कितनी बार हम मेडिटेशन बैठ करके कर रहे होते। पर हर बार जब हम हर थर्सडे को जब नगर संकीर्तन में जाते हैं तो 21 बार ओंकारम भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। जब थर्सडे और संडे को भजन में आते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम भजन गा रहे हैं, स्वामी को याद कर रहे हैं। जब संडे के संडे आप कोई सेवा कार्य में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो आप एक डिसिप्लिन के रूप में आप वहां जा रहे हैं। यही डिसिप्लिन जो है, यही आपको चित्त शुद्धि प्रदान करता है। एक और बहुत सुंदर घटना मुझको याद आ रही है। क्या होता है कि जब भी वहाँ एक टाइम था जब MBA के छात्र बाबा के बहुत नज़दीक माने जाते थे, तो वो जब भी छात्र जब वहाँ पास आउट होने वाले होते थे तो एक ग्रुप बना करके आगे बैठ जाते थे और स्वामी से बोलते थे कि स्वामी हमें इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दो। तो एक बार ऐसी बात हुई, एक ग्रुप खड़ा हो गया, ऐसी स्वामी आए अपने घुटनों के बल खड़े हुए और वो बोले स्वामी हमें इंटरव्यू दीजिए, स्वामी इंटरव्यू दीजिए। तो स्वामी मुस्कुराए और एक लड़के के कार पे प्यार से चपत लगाई और कहा तुम सब अपनी वाइफ को लेके आओ, फिर मैं इंटरव्यू देता हूँ। और लड़के जोर से हंसने लगते कि स्वामी ने जोक मार दिया है कि भाई तुम सब अपनी वाइफ को लेके आओ, फिर मैं इंटरव्यू देता। फिर सब लोगों ने स्वामी 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 सब पीछे पड़ गए कि स्वामी इंटरव्यू दीजिए, स्वामी इंटरव्यू दीजिए, तुम लोग जाओ अपनी वाइफ को लेके आओ, फिर मैं इंटरव्यू देता। अब वाइफ आएगी तो कब स्वामी के पास वापस आएंगे और इंटरव्यू कैसे होगा? तो स्वामी जाने लगे तो लड़कों को समझ में नहीं आया कि अब स्वामी बोल रहे वाइफ को लेकर के आओ तो कैसे लाएं, क्या करें। सब एक दूसरे को देख रहे थे, तो स्वामी शायद उनकी जो थोड़ी मन में जो चल रही थी बात समझ गए। स्वामी पलट करके आए और स्वामी बोले तुमको मालूम है तुम्हारा वाइफ कौन है? तो लड़के नहीं बोले स्वामी कौन है वाइफ? तो बोले जो तुम्हारी आत्मा है दैट इज द हस्बैंड एंड योर माइंड इज योर वाइफ। ये जो मन है चंचल मन, यह तुम्हारी पत्नी है, और यह तुम्हारी आत्मा जो है अंदर, जो अंदर तुम्हारा प्रभु निवास कर रहा है तुम्हारे हृदय में, यह तुम्हारा हस्बैंड है। जब हस्बैंड और वाइफ में तालमेल होता तो जीवन अच्छे से चल सकता, पर जब हस्बैंड और वाइफ में तालमेल गड़बड़ा जाता तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो सकता। इसलिए हस्बैंड में और वाइफ में तालमेल बनाते रखना। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हस्बैंड, जिसको नहीं समझ में आया वो, और स्वामी किस हस्बैंड की बात कर रहे हैं? आत्मा और मन में तालमेल बना करके रखना है। जब हम थोड़ी बात आत्मा की ज्यादा सुनेंगे और मन की कम सुनेंगे तो वह तालमेल स्वतः अपने आप बन जाएगा। हम अक्सर क्या करते हैं, हम ऑपोजिट करते हैं, हम मन की बात ज्यादा करते हैं और अंतरात्मा की आवाज कम करते हैं। जैसे आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा हुआ था और दोपहर में हम अचानक संडे का लंच करके सो गए और सोने के बाद 4:30-5:45 बज गए और टाइम देखा तो अंदर से आवाज आई अरे भाई 5:15 बजे पहुंचना है। मन कहता है अरे एक ही तो संडे मिलता है भाई, सो जाओ, क्या होगा, फिर कभी सुन लेंगे, वो तो बोलते ही रहते हैं। हाँ, तो जो मन की बात सुन करके सो गया, जो सो गया वो खो गया, और जो आ गया वो पा गया। भगवान यही बोलते हैं। तो एक मुझे वाक्य और बहुत सुंदर याद आ रहा है। स्वामी के एक अभिन्न डिवोटी थे, यंग मैन, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, बहुत क्लोज थे स्वामी के। तो एक बार वो स्वामी के पास में आए और वो बहुत बड़ी पोस्ट पर थे और उनको सरकार अलग अलग जगह पर अलग अलग असाइनमेंट्स के लिए भेजती थी। तो एक बार स्वामी आए और उनसे पूछा, हाँ अभी तुम कहाँ जाता? उसका नाम देखे, वो दिल्ली से आया था। तो वो बोले तुम कहाँ जाता? तो स्वामी मेरे को अभी रशिया जाना है। तुमको रशिया जाना है, वेरी गुड वेरी गुड। तुम रशिया जाएगा तो तुम स्वामी के लिए क्या लेके आएगा वहां से? आप सोचो, जब भी हम कहीं जाते हैं तो आपसे सामान कौन मांगता है? जो आपका क्लोजेस्ट होता है। हाँ,
कोई बच्चा मांगेगा या माता पिता बोलेंगे या कोई ऐसा व्यक्ति होगा, यहां स्वामी बोल रहे हैं कि तुम कहां जाता? बोले मैं रशिया जाता। अच्छा तुम रशिया जाता तो स्वामी के लिए वहां से क्या लेके आएगा? अब वो सोच में पड़ गया कि मैं भगवान के लिए क्या लेके आऊं। स्वामी बोले बोलो बोलो क्या लेके आएगा रशिया से हमारे लिए। अब उसको नहीं समझ में आया कि मैं क्या उत्तर दूं स्वामी को कि स्वामी रशिया से आपके लिए क्या लाऊं, आप तो खुद सर्वगुण संपन्न हो, आप तो खुद सर्वगुण दाता हो, आप संसार को देने वाले, मैं आपकी चीज आपके लिए क्या लाऊं। तो उसने बिल्कुल शरणागति होकर के बोला स्वामी जो आप कहेंगे मैं लेकर के आऊंगा। स्वामी मुस्कुरा दिए, उसको हृदय से लगा लिया और कहा Bring your pure self back to me. जो प्योरिटी तुम अपने हृदय में रख करके पुट पर तीसरे रशिया जा रहे हो, जब आओ तो वही प्योरिटी अपने हृदय में संभाल करके ला। स्वामी wants your pure self back. तुम रशिया जा रहे हो ना, वहां अपने मन को अपने ऊपर हावी मत होने देना और वही प्योरिटी वापस ले लेना। यह है follow the master.